हेलो। अरे तिवारी किधर बिजी है भाई तू? एक दो तीन चार, फिर पांच जन हो गए यार अपन। पीछे तो देखो, पीछे देखो। अब पीछे तो बहुत जन है, वो अपने में नहीं है ना। नमस्कार दोस्तों, ये हमारे ब्लॉग का पार्ट टू वीडियो है, जहां हम सब एक बोट पे सवार होकर के अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहां पर पानी की ऊंची ऊंची लहरें और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसी लहरों और हवाओं का लुत्फ उठाते हुए हम सभी अपने मौज मस्ती में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद हमारे साथ कौन सी घटना घटने वाली थी इसकी किसी को भी कानों कान खबर नहीं थी। हालांकि यहां से आगे देखने पे साफ साफ आइलैंड दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड थे, पानी में भी बहुत ज़्यादा हलचल शुरू हो गई थी। समय बीतता जा रहा था, हम लोग लहरों के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। कभी कोई अपना फोटो निकालता, कभी कोई इस लहरों की वीडियो बनाता, इस बात से अनजान कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे आए सभी यात्री अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने दोस्तों के साथ और अपने अपने जो भी साथ में आए उनके साथ मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक से हमारी बोट बीच में पहुंचती है और वहां पर हवाओं का दबाव काफ़ी तेज हो जाता है, लहरें काफ़ी तेज चलने लगती हैं। अचानक से बोट पे हवाओं का दबाव बढ़ने लगता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ से आगे जैसे हम बढ़ते गए, धीरे धीरे हमको आभास होना शुरू हो गया, किंतु उस आभास को साइड रख करके हम सब अपनी मस्ती में आगे बढ़ने लगे। यहाँ तक हमारे साथ सब कुछ अच्छा गुजरा, हम लोग सकुशल अपने मंजिल तक पहुँच गए थे। यहाँ पर बोट लगा दी गई थी, हमें यहाँ से उतर कर अब वहाँ तक जाना था जहाँ पे वो आइलैंड स्थित है। हम सब उत्साह से भरे हुए बोट से नीचे उतर रहे थे, यहाँ तक सब अपनी मौज मस्ती में मग्न थे। किसी को भी कुछ आभास, कानों कान खबर कुछ भी नहीं था कि आगे चल के इनके साथ क्या होने वाला है। परंतु जैसे यहाँ पे सबके सब उतरे और यहाँ से हमको चढ़ाई करना था वो आइलैंड, जहाँ पे हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना तक करके, जिसके बारे में सोच तक करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब पानी आके लग रहा था, मुंह पे लग रहा था, क्या ही बताएं, बहुत अच्छा लगा।